चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि इलायची को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इलायची का प्रयोग पकवान में करने से स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, इलायची पेड़ की टहनियों में नहीं, जड़ों में पाया जाता है और इलायची के फल कुछ इस प्रकार दिखते हैं। तो चलिए इसके फैक्ट्री प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इसका पेड़ प्लांट नर्सरी में 20-30 रुपए में मिलता है। जब यह 4-5 फीट हो जाता है तब इसे प्लांट नर्सरी से लाकर बारिश वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है और फिर 4-5 साल बाद यह जब 15-20 फीट हो जाता है तो इसमें फल आना शुरू हो जाता है। इसके पौधे एक झुंड और घनाकार रूप में होते हैं। इलायची का पेड़ जड़ के नीचे वाले भाग में उगता है। इन फलों की हार्वेस्टिंग वर्कर्स द्वारा कर ली जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद इसके फल को काट मोम ड्रायल हाउस में लाया जाता है। इलायची के फल को मशीन में डालकर 50°C तक गर्म किया जाता है। उसके बाद इसे सुखाकर इस पर पॉलिशिंग की जाती है जिससे इस पर चमक आ जाए और यह देखने में सुंदर लगे। लेकिन अभी यह मशीन से निकला है और यह गर्म है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वर्कर्स के द्वारा इसमें से अच्छे इलायची को छाटा जाता है और इसे ताज़ा बनाए रखने के लिए इसमें केमिकल का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद इसे पैकेट में पैक कर दिया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको और इसी के रिलेटेड वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं।